हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त पहली बार सिम्हाचलम गए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं भी पहली बार गया, पहली बार। तो आपने देखा ना किस तरह है वहाँ विग्रह, शिवलिंग की तरह दिखता है, है ना? ऐसे नहीं लगता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति है, क्योंकि चंदन का लेप लगाया हुआ है तो समझ नहीं पड़ता है। फिर भी बहुत शक्तिशाली विग्रह है, स्वयंभू। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री वरह लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। श्री सिम्हाचलम क्षेत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagada Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagada Lalita Shri Visakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vansha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna. तो कल हम कुर्म क्षेत्र गए थे वहां जाने के पहले कुर्म क्षेत्र के संबंध में कथा हुई थी और कल शाम को सिम्हाचलम की कथा हुई थी और दोनों बार उन स्थानों की महिमा का वर्णन तो संक्षेप में हम कर पाए परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन उन स्थानों में करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहा इसलिए इस समय महाप्रभु की यात्रा इन स्थानों में कैसे हुई और कौन सी लीलाएं महाप्रभु ने वहां पे की श्री चैतन्य चरितामृत से उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के सातवें अध्याय में महाप्रभु के इन स्थानों के आगमन के संबंध में वर्णन करते हैं आपको याद होगा कि हम ये बता रहे थे कि जब से महाप्रभु आलालनाथ छोड़कर कुर्मक्षेत्र की ओर आगे चलते गए तो वो सतत कीर्तन करते रहे और अनेक लोग प्रभावित हुए वो शुद्ध भक्त हुए भाव विभोर होकर महाप्रभु चलते गए और अंततः कूर्म स्थान में पहुंचे कूर्म क्षेत्र तो कविराज गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं आइए हम पढ़ते हैं ऐ मत जाइते जाइते गेला कूर्म स्थाने कूर्म देखी कोयलो तारे स्तवन प्रणामे ऐ मत इस तरह किस तरह कीर्तन करते करते महाप्रभु कृष्ण 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 हे इत्यादि करते हुए जा रहे थे ऐसे कीर्तन करते करते वो पहुंच गए कूर्म स्थान और कूर्म देखी कोयल तारे स्तवन प्रणामे और कूर्म देव के सुंदर विग्रह का दर्शन किया महाप्रभु ने और प्रणाम किया और स्तव पाठ किया सुंदर प्रार्थनाएं स्तुति आदि उन्होंने अर्पण किए ये तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का काफी लंबा है लेकिन तात्पर्य की जो कथा है वो उसकी चर्चा तो हम कल कर चुके हैं फिर महाप्रभु ने क्या किया प्रेमा वेश हासी कांदी नृत्य गीत गोइला देखी सर्वलोकेर चित्ते चमत्कार हैल प्रेमावेश में हासी कांदी नृत्य गीत कैल वो हंसने लगे रोने लगे नृत्य करने लगे गीत गाने लगे जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम के ऐसे उन्मत्त अवस्था में होता है
तो उसके शरीर में ऐसे दिव्य सात्विक विकार दिखाई पड़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तो कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधारण भक्त नहीं है, असाधारण भक्त भी नहीं है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके आए हैं। श्री राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण स्वरूप हैं परंतु राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं। श्रीमती राधा रानी जैसे कोई श्री कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के इस उच्च कोटि के भाव को स्वीकार किया है, तो हम समझ सकते हैं कि उनके जो प्रेम के लक्षण हुए होंगे वो किस तरह के हुए होंगे, शायद हमारे कल्पना के भी बाहर है। चैतन्य चरितामृत के अनेक अध्यायों में कविराज गोस्वामी ऐसे बहुत ही गुह्य विषयों के ऊपर विस्तार में व्याख्या करते हैं, परंतु हम सब साधारण भक्त हैं, कहाँ तक हम इन बातों को समझ पाएंगे, इसलिए ज़्यादा विस्तार में इन चीज़ों की चर्चा नहीं की जाती है। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि बस ये सारे अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के दिव्य देह में दिखाई पड़ रहे थे। देखिए सर्वलोकेर चित्त चमत्कार होइल, तो सारे लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे कूर्म स्थान में, मंदिर में और मंदिर के बाहर, उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के सारे लक्षण देखे प्रेम के, तो उनके मन में चमत्कार उत्पन्न हो गया। आश्चर्य शून्य लोक आयल देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी होइलो चमत्कारे। तो ऐसे अद्भुत घटनाओं के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। आप तो जानते हैं कि मनुष्य समाज में खबरों को फैलने के लिए समय नहीं लगती, कोई भी विशेष घटना होती है तो जल्दी ही लोग आपस एक दूसरे से बात कहते कहते बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है बहुत ही जल्दी। और याद रखिए ये 500 वर्ष लगभग पूर्व की कथा है, जिस समय कोई फेसबुक नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, ट्विटर नहीं था, फिर भी खबरें बहुत जल्दी से फैल गईं। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि जब हम इस तरह से खबरें फैलाते हैं तो अच्छे खबर ही फैलाने चाहिए, और वो भी बढ़ा चढ़ा के नहीं। बचपन में हमें याद है हमें खेल खेला करते थे, 10-15 बच्चे साथ में बैठेंगे, एक बच्चा कोई बात कान में कहता है दूसरे बच्चे, दूसरा बच्चा तीसरे के कान में वही बात कहेगा जो उसने सुनी है, और अंततः ऐसे अनेक बच्चे एक दूसरे के कानों में बोलकर अंततः उसके ही कानों में आता है जिसने बात की शुरुआत की थी, और वो सुनता है कि कुछ अलग ही बात उसे सुनने में आ रही है। उसने क्या कहा था और जो क्या सुनने में आ रहा है, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो मनुष्य समाज में भी ऐसे ही होता है, बात करना हम शुरू करते हैं तो एक छोटी सी बात होती है उसका क्या बन जाता है। हमें सावधान रहना चाहिए, खास करके भक्तों के समाज में, वैसे मनुष्य समाज में भी लेकिन विशेष रूप से भक्तों के समाज में, खास करके कोई ऐसी अच्छी खबर न हो या दूसरे के बारे में कोई आरोप लगा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। तो खैर ये तो सबसे अच्छी खबर थी, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, बड़े संत आए हैं, लोगों को तो पता नहीं था ना कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु उनको देखकर ये निश्चित उनको ज्ञात हुआ कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे जो शरीर के अंदर
लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है ये बहुत ही विशेष संत हैं। तो खबर फैली तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए उनको देखने के लिए। प्रभुर रूप प्रेम देखी होइलो चमत्कारे। और महाप्रभु को आके जब उन्होंने उनका दर्शन किया तो विस्मित हो गए, चमत्कार उनके मन में हो गया। दर्शने वैष्णव होइल बोले कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्वा बाहु कोरी। दर्शने तो महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से वैष्णव होइल, सारे लोग वैष्णव हो गए। तो ये महान वैष्णव का दर्शन करने का लाभ होता है। गंगारा पराश होइले पाश्चात पावन, गंगा का स्पर्श करने से व्यक्ति पावन हो जाता है। तुम्हार दर्शन है तुम्हार पवित्र होए, ये तुम्हारा गुण कि वैष्णव के दर्शन करते हैं तो दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। और ये तो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जो लोग आए थे वहाँ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो सब वैष्णव बन गए। बोले कृष्ण हरि, और वैष्णव बने और कृष्ण और हरि इन नामों का उच्चारण करने लगे। प्रेमावेश नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु कोरी, तो प्रेमावेश में ये सारे लोग जो अभी ही वैष्णव बने थे, ऊर्ध्व बाहु मतलब अपने भुजाओं को ऊपर करते हुए वो कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। तो ये महाप्रभु के दर्शन का प्रभाव हुआ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी याद दिलाते हैं कि केवल महाप्रभु के यात्रा के प्रारंभ में ऐसे नहीं हुआ, शुरुआत से लेकर अंत तक यही दिखाई पड़ा। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अभिराम, शेही लोक वैष्णव कोइलो अन्य सब ग्राम। तो कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अविराम, जब इन लोगों के मुख से निरंतर, अविराम अर्थात विराम मतलब आराम करना, अविराम मतलब निरंतर, तो ये लोग निरंतर कृष्ण का नाम लेते जा रहे थे। तो इनको इस प्रकार से निरंतर कृष्ण नाम लेते हुए देखकर और सुनकर अन्य लोग जो अन्य ग्रामों में थे वो भी सब वैष्णव बन गए। इस तरह से सारा देश जो है, सारा प्रांत वैष्णव बन गया, सारे लोग कृष्ण कृष्ण कहते लगे। और इस तरह कृष्ण प्रेम का बाढ़ सारे कुर्म क्षेत्र उस सारे प्रांत में फैल गया। कतक्षणे प्रभु जदि बाह्य प्रकाशिला, कुर्मेर सेवक बहु सम्मान करिला। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में पुनः आ गए। जब भाव विभोर हो गए थे तो उनको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, और आसपास में लोग मुझे देखने आ रहे हैं। वैसे जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई प्रतिष्ठा हो, लोग उनको देखने आ रहे हों, उनका दर्शन करने आ रहे हों। ये तो भौतिक वृत्ति है। इस संसार में लोग ये चाहते हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन तीनों चीज़ों के पीछे बहुत सारी दुनिया भाग रही है। परंतु माधवेंद्रपुरी ऐसे नहीं चाहते थे। जब गोपीनाथ जी ने रेमुना में उनके लिए खीर चोरी कर ली तो पुजारी जो है वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि सब जगह जाके उन्होंने इस बात को फैलाई। और माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अब मैं यहाँ रेमुना में रहूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी, लोग आके मुझे प्रणाम करेंगे और इतना सम्मान मुझे मिलेगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है।
तो माधवेंद्र पुरी वहाँ से भाग गए वहाँ से, जल्दी से जल्दी निकल गए कि मुझे ऐसे स्थान में नहीं रहना है जहाँ लोग मेरी स्तुति करते रहेंगे, मेरी वाहवाह करते रहेंगे, मुझे बहुत बड़ा भक्त मानेंगे। परंतु देखिए, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो प्रतिष्ठा से भागते हैं दूर, परंतु प्रतिष्ठा उनके पीछे भागती है। और प्रतिष्ठा किस गति से भागती है? जिस गति से वैष्णव तेजी से भागने का प्रयास करते हैं, उससे तेज गति से प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे आती है और उनको पकड़ ही लेती है। ऐसी कोई देवी भी होंगी, मुझे पता नहीं, प्रतिष्ठा देवी, तो वो भी ऐसे वैष्णव के पीछा करती हैं, पीछा करके छोड़ती नहीं हैं उनको। लेकिन संसार में जब भौतिकतावादी लोग प्रतिष्ठा आदि पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो भाग्य के अनुसार कभी मिलता है, कभी नहीं मिलते हैं ये चीज़ें। ये दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए भक्त भी इन चीज़ों के पीछे नहीं जाते, क्योंकि ये वैष्णवता के विरुद्ध है और वैष्णव जानते हैं कि ये कष्ट के कारण है, बाद में जाके परेशानी होगी इसमें। एक बार हुआ ये कि हमारे संस्था के एक भक्त हैं, तो कई वर्षों से भक्त हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो कोई समस्या हो गई, उनका कोई संबंध नहीं था उस समस्या से, तो कई लोग उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, ये भक्त बड़े विचलित हो गए। तो वो भक्त चले गए जननिवास प्रभु के पास, जो मायापुर में हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, बहुत बड़े संत हैं, शांत स्वभाव के हैं। तो उन्होंने उनको सांत्वना दी और कहा कि देखिए महाराज, ये प्रसिद्धि की कीमत है, प्रसिद्ध हो जाएंगे ऐसे होगा, ऐसे होता है, क्या करें, आपको सहन करना पड़ेगा। अब जो प्रसिद्ध नहीं है वो है यहाँ वह है, कौन जानते उनके बारे में, तो कोई समस्या नहीं है। प्रसिद्ध हो जाते हैं तो कितने सारे लोग होते हैं, पूछने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, तो ये प्रसिद्धि के लक्षण हैं, ऐसे होता है। तो खैर, माधवेंद्र पुरी तो दूर भागे, और सच्चे वैष्णव भी ऐसे प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु उस समय वो तो प्रेमावेश में थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और आसपास में कितने सारे लोग मुझे देखने आए हुए हैं। लेकिन जब बाह्य होश उनको आ गया फिर से, और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। कूर्मे ने सेवक बहु सम्मान करी ला। फिर कूर्मदेव के जो पुजारी थे वो आए उनके पास और बहुत सम्मान किया, सम्मानित किया श्री चैतन्य महाप्रभु को। जे ग्रामे जाए तहाँ ए व्यवहार, एक ठानी कहिलो ना कहिबो आर बार। महाप्रभु ने जिस प्रकार से प्रचार किया, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, उसका विवरण तो मैंने कर लिया, और जहाँ भी वो जाते उनका व्यवहार ऐसे ही होता, इसलिए मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं। फिर कहते हैं, कूर्मना में शेई ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्ति कोयलो प्रभुर निमंत्रण। शेई ग्रामे मतलब उस ग्राम में एक ब्राह्मण रहा करते थे, वैदिक ब्राह्मण, जिनका नाम था कूर्म, गांव का नाम था कूर्म और ब्राह्मण का नाम भी था कूर्म। तो ब्राह्मण ने, कूर्म ब्राह्मण ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया अपने घर में प्रसाद के लिए।
Gharyani Prabhura Koilo Pada Prakshalana Sejala Vansha Sahita Karilo Bhakshana. To Mahaprabhu ko ghar mein le aaye, Gharyani Prabhura Koilo Pada Prakshalana. Mahaprabhu ke charanon ko unhone dho liya aur phir us jal ka unhone paan kar liya apne parivar sahit. Aneka prakarasne bhiksha kuraila gosaira sheshanasya vansha khaila. Aneka prakarasne bhiksha kuraila. To vivid prakar ke swadishta vyanjanon ko arpan kiya Mahaprabhu ko bhojan ke samay, prasad ke samay. Aur jab Mahaprabhu सब कुछ नहीं खा पाए, जो भी खाना था, सेवन करना था, वो कर उन्होंने कर लिया. जो बचा हुआ था, फिर उन्होंने महाप्रभु के जो अवशेष थे, जो उच्चिष्ट थे, वो उन्होंने सारे ग्रहण कर लिए. महाप्रसाद. जय पाद पद्म तुमार ब्रह्मा ध्यान करे शेय पाद पद्म साक्षात आइल मोरो घरे. जिन चरण कमलों के ऊपर ध्यान स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी करते हैं, वही चरण कमल आज मेरे घर में आ गए हैं, पड़े हैं. मेरा कितना सौभाग्य है. मोर भाग्य र सीमा न जाए कहान आज ही मोरा श्लाघ्य होइलो जन्म कुलो धन. मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है हे प्रभु. और आज वास्तव में मेरा जन्म, मेरा कुल, मेरा धन, ये सब कुछ धन्य हो गया है. कृपा कर प्रभु मोरे जा तुमा संगे सोहित न पारे दुख विषय तरंगे. फिर उस कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि मैं आपके साथ में जाना चाहता हूँ. सहिते न पारे दुख विषय तरंगे. ये संसार का दुख सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आपके साथ में आना चाहता हूँ. मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ. ये संसार के कष्ट, ये परिवार का देखभाल करना, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी बातें आपने भी कभी सुनी होंगी, सोची होंगी, हो सकता है कभी बोले भी होंगे, पता नहीं. कभी कभी आज आके गृहस्थ वक्त ऐसे बोलते भी हैं, जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, और सहन शक्ति नहीं रहती उतनी, तो कभी कभी ऐसे विचार मन में आते हैं. परंतु जैसे आगे चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को उपदेश देने वाले हैं, ऐसे ही घर छोड़ के जाने की बात करने की आवश्यकता नहीं है. फिर महाप्रभु ने क्या जवाब दिया? क्या महाप्रभु ने कहा, अरे बढ़िया संन्यास ले, चले आओ मेरे साथ? ऐसे कहा महाप्रभु ने? नहीं कहा. तो क्या कहा महाप्रभु ने? प्रभु कहे ऐसे बात कभू न कहिबा गृह रोही कृष्ण नाम निरंतर लइबा. अभी कभी ऐसे बात नहीं करना. आइंदा एक बार कह लिया सो कह लिया, लेकिन इससे बाद ऐसी बातें नहीं करना. गृह रही घर में रहकर कृष्ण नान नाम निरंतर लइबा. अब मैं घर में ही रह के, गृहस्थ रह के कृष्ण नाम निरंतर लिया करो. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस कलयुग में ये अच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति अचानक अपने घर परिवार को छोड़ दे और संन्यास ले ले. उसे चाहिए कि वो घर में ही रहे और वहाँ रह के हरे कृष्ण महामंत्र का सतत उच्चारण करके अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को शुद्ध करने का प्रयास करे. इस कलयुग में लोग सही प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हैं,
सही ब्रह्मचारी क्या होना कौन है, क्या होना चाहिए, सही गृहस्थ कौन कैसे होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं पाया जाता है आजकल। इसलिए कोई व्यक्ति यदि अचानक घर छोड़ के चले जाए संन्यास लेने के लिए तो उसके लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, उसके लिए परेशानी होगी, उसके परिवार के लिए होगी, सारे समाज में उत्पात हो जाएगा, धर्म की बदनामी होगी। वैसे कई गृहस्थ भक्त भक्त बनने के पहले कोई न कोई उनके परिवार में पहले घबराते तो हैं कि भाई ज़्यादा हम निकट आ जाएं तो भाई ये संन्यास ले लेंगे। लड़कियों के बारे में भी ऐसे परिवार के सदस्य चिंता करते हैं, कितने हैं जो अपने लड़कियों के बारे में ऐसे सोच रहे थे कि ये हमारी बेटी सन्यासी बन जाएगी, अरे नहीं नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, भेजिए मंदिर में, अब भी आइए मंदिर में, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे लोग घबराते हैं जब वो देखते हैं कि उनके पति पत्नी या बेटा बेटी जो भी हैं रिश्तेदार कोई गंभीरता पूर्वक भक्ति करने जा रहे हैं, तो लोग घबराते हैं कि ये लोग सन्यासी बन जाएंगे। तो महाप्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हमें ये इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सभी को सन्यास लेना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी बिताने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? निरंतर कृष्ण नाम लेकर और उसी शिक्षण को अन्यों को प्रदान करके। और फिर वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं और शायद आप सबको ये श्लोक कंठस्थ होगा, यदि कंठस्थ नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु होना तार ऐ देश। आप में से कितने भक्तों ने श्लोक को सुना है पहले? बहुत सारे भक्तों ने सुना है। तो आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं इसका पालन आप अवश्य करने का प्रयास करें। वैसे ये सबके लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है, वानप्रस्थ के लिए भी है, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं महाप्रभु, जारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिन्हें जिनसे भी मिलोगे उन्हें कृष्ण का उपदेश कहना, अमार आज्ञाएं गुरु होना तार ए देश, मेरे आज्ञा के अनुसार गुरु बनो। गुरु बने का बनने का अर्थ ये है कि हम कृष्ण का उपदेश, कृष्ण के संदेश को उन तक पहुंचाएं। महाप्रभु कहते हैं इस तरह से सारे इस देश का प्रांत का उद्धार करो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का यही एक बहुत ही सुंदर और दिव्य उद्देश्य है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई लोग हमारी संस्था में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें पारिवारिक जीवन त्यागना पड़ेगा भगवान की भक्ति करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सुविधापूर्वक अपने घर में रह सकते हैं, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छी तरह से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी चार नियमों के बारे में बता रहे हैं, यदि चार नियमों का पालन हम अच्छी तरह से करेंगे और नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो निश्चित ही हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। फिर आगे महाप्रभु ने क्या आदेश दिया कूर्म ब्राह्मण को, कोभु न बाढ़ी भे तुमार विषय तरंग, पुनरपि ऐ ठानी पावे मोर संग, कभू न बाढ़ी भे तुमार विषय तरंग। यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो विषय तरंग तुम्हारे जीवन में कभी बढ़ेंगे नहीं, पुनरापि ऐ ठानी पावे मोर संग, और शीघ्र ही मैं पुनः तुम्हें संग देने के लिए इसी स्थान में लौट के आ जाऊंगा।
तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अनमोल अवसर है और इसका लाभ सभी को उठाने का प्रयास करना चाहिए। यदि महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन हम करेंगे तो संसार का जो भौतिक प्रदूषण है, हृदय का प्रदूषण है, वो हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, एई मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, सेई ओइछे कहे तारे करो एई शिक्षा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गांव गांव में जाते, घर घर में जाते, वहां रहते हुए भी कूर्म स्थान में घर घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते जहां उनको निमंत्रण मिलते, और उन्हें उन लोगों को वही उपदेश देते जो कि उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया हुआ है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, ये है हरे कृष्ण आंदोलन का सार और उद्देश्य। स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना भगवान कृष्ण के नाम लेने के लिए। हमें एकांत स्थान में जाकर हरिदास ठाकुर की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं और चेतावनी देते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए। एकांत स्थान में जाके हम इतनी माला करते हैं, 100 माला करते हैं, 200 माला रोज करते हैं, ऐसे झूठे प्रतिष्ठा के लिए हमें एकांत स्थान में नहीं जाना चाहिए। इससे भला ये होगा कि हम भक्तों के संग में रहें, निरंतर कृष्ण नाम लेते रहें, भगवान की कथाओं को सुनें, सेवा करें और अपना जीवन सफल बनाएं। पोथे जायते देवालय रहे जय ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे सेई महाजने, कूर्मे जायछे रीति तयछे कैलो सर्वथाई, नीला चले पुनः जावत न आई लोगो साई। तो जब महाप्रभु ऐसे भ्रमण करते रहे तो कभी रात किसी मंदिर में बिताते या कभी कभी सड़क पे ही बिताते। ऐसे तीर्थ यात्रा हुआ करते थी उस समय। आज हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कमरे हैं ना। जब महाप्रभु गए थे तो उनके पास ऐसे कोई कमरे वगैरह नहीं थे, कभी मिल जाता था कोई कमरा तो रह जाते थे। और जब भी किसी व्यक्ति से भिक्षा अर्थात भोजन स्वीकार करते तो उन्हें वही उपदेश देते जो कि उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था, और इस पद्धति को उन्होंने तब तक स्वीकार किया जब तक कि वो दक्षिण भारत की यात्रा से नीलाचल में जगन्नाथपुरी में लौट के नहीं आए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में एक रात के लिए रहते और फिर अगले दिन दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाते। तो यहाँ कूर्म स्थान से जब प्रस्थान करने जा रहे थे, निकल पड़े थे, तो ये कूर्म ब्राह्मण जो है काफ़ी लंबे समय तक उनके पीछे पीछे आए, क्योंकि वो महाप्रभु का संग छोड़ना नहीं चाहते थे। किसी न किसी तरह बड़े मुश्किल से महाप्रभु ने उनको समझा बुझा कर वापस भेजा कि नहीं नहीं वापस जाओ। तो उसी गांव में कुर्म क्षेत्र में एक और ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था वासुदेव। अब दुर्भाग्य से वासुदेव को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग आप जानते हैं ना, आजकल तो इसके लिए इलाज है, परंतु पुराने ज़माने में तो इलाज नहीं हुआ करता था। तो लोग ऐसे बीमारी से बहुत घबराते थे, उंगलियां गिर जाती थी, नाक गिर जाता था, बहुत सी खतरनाक बीमारी थी वो। और इसलिए समाज में जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ करता था उससे दूर ही लोग रहते थे, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी आ सकती है इस डर से। तो वासुदेव विप्र
इनको कुष्ठ रोग हुआ था और उनके शरीर में तरह तरह के घाव थे जिनमें तरह तरह के कीड़े भी रहा करते थे। तो जब भी कोई कीड़ा उनके शरीर के घाव से नीचे गिर जाता था तो वो सोचते थे कि अरे ये कीड़े का क्या होगा, उसे यहाँ कोई अन्न मिल रहा है, कोई सहायता मिल रही है, ये जीवन का साधन है उसके लिए, तो वो कीड़े को उठाकर फिर उसी में घाव में रख देते थे। अभी हम ये नकल नहीं कर सकते उनकी, परंतु उनकी भावना ऐसी थी तो ऐसे कर रहे थे। तो जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर में हैं तो सुबह को जल्दी वहाँ पर आए। खबर उन्होंने रात को सुनी, सुबह सुबह कूर्म ब्राह्मण के घर में आए, परंतु उन्होंने खबर पाया कि महाप्रभु निकल चुके हैं, कूर्म स्थान छोड़कर वो चले गए हैं। इतना दुख हुआ वासुदेव को कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। और इस प्रकार जब वासुदेव नीचे गिर पड़े थे बेहोश होकर और फिर से उनको होश आ गया तो बहुत ही शोक करते रहे, अपने भाग्य को धिक्कारते रहे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि थोड़े समय के लिए ही ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान संत का संग मुझे नहीं मिला, मैं उनके संग से वंचित रह गया। परंतु चमत्कार हुआ, महाप्रभु ने कहा था ना कुर्म ब्राह्मण से, मैं शीघ्र तुम्हें इसी स्थान में मिलूंगा, तो शीघ्र ही आ गए वापस महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण के घर में। सर्वज्ञ हैं वो, जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। तो वासुदेव यहाँ पर कूर्म ब्राह्मण के घर में आए हैं वो जान गए, और वासुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु लौटे और तुरंत उन्होंने आलिंगन किया वासुदेव को। वासुदेव तो बहुत हिचकिचा रहे थे कि अरे मेरा इतना कुरूप शरीर है, इतने सारे घाव हैं, गंदा है मेरा शरीर, और ऐसे शरीर को आप आलिंगन कर रहे हो। परंतु ज़बरदस्ती महाप्रभु ने आलिंगन कर दिया और चमत्कार क्या हुआ कि वासुदेव का कुष्ठ रोग और वासुदेव का जितना भी दुख था ये दोनों चीज़ें ही एक दूर किसी स्थान में चले गए, अर्थात गायब हो गए। प्रभु स्पर्श दुख संगे कुष्ठ दूर गेला, आनंद सहिते अंग सुंदर होइला। और फिर उनका शरीर बहुत ही सुंदर हो गया, पहले कुरूप था कुष्ठ रोग के कारण, परंतु उनका दुख चला गया, उनका कुष्ठ रोग चला गया और शरीर बहुत ही सुंदर बन गया। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय होइला मन, श्लोक पढ़ी पाए धोरी करे स्तवन। प्रभु की कृपा देखकर वासुदेव के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया, चमत्कार आश्चर्य। श्लोक पढ़ी पाए धोरी करे स्तवन, तो तुरंत महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और गिर के उनके चरण कमलों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के स्तवन स्तव पाठ किया, एक सुंदर श्लोक का उच्चारण उन्होंने किया। इसी श्लोक को सुदामा ने कहा था जब वो द्वारका से वापस आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण का संग पाके। द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को आलिंगन किया था और महल के सारे जो लोग थे, चौकीदार से लेकर रानियों तक और घर में जो दासियां थीं सभी लोग, रुक्मिणी देवी भी स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी कि अरे ऐसे ये गरीब ब्राह्मण हैं, इसके फटे हुए कपड़े हैं, और ऐसे ब्राह्मण को श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, अपने बिस्तर पे बिठा रहे हैं, उनके चरणों को मालिश कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं।
इतने प्रेम से निकट में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण कितने भाग्यशाली हैं। तो ये सब सुदामा याद कर रहे थे। जब वापस लौट के जा रहे थे तो सुदामा ने भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगा था, बस कृष्ण का संग मिला, इतना उनके लिए पर्याप्त था। लेकिन वापस जब जा रहे थे तो सोचने लगे कि अरे क्या हुआ वहाँ पे? मैं जब द्वारका में था, श्री कृष्ण के दरबार में, उनके राजमहल में मैं था, तो श्री कृष्ण ने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया, मेरे समझ के बाहर है। और उस समय उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया, क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम् बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा ने कहा, क्व अहम्, मैं कौन हूँ? दरिद्र, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। पापी यान, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। क्व कृष्ण, और ये कृष्ण कौन है? श्री निकेतन, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी, निकेतन अर्थात निवास स्थान। मैं कहाँ एक दुर्भाग्यशाली, एक गरीब पापी व्यक्ति, और कहाँ श्री कृष्ण जो कि श्रीमती लक्ष्मी देवी के निवास स्थान हैं। और मैं तो एक ब्रह्म बंधु हूँ, मैं सच्चा ब्राह्मण भी नहीं हूँ, केवल नाम के वास्ते ब्राह्मण हूँ। फिर भी बाहुभ्याम, अपने भुजाओं से परिरंभितः, मुझे श्री कृष्ण ने आलिंगन कर लिया। तो ऐसे सुदामा सोच रहे थे, उनके मन में चमत्कार हो गया था कि कितने प्रेम से मेरे साथ व्यवहार श्री कृष्ण ने किया, कितना सम्मान मुझे दिया, जबकि मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे आलिंगन भी किया। तो यही विचार वासुदेव विप्र के थे जब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। जैसे सुदामा के साथ चमत्कार हुआ, लेकिन बाद में हुआ, जब सुदामा पहुँचे अपने गांव में तो उन्होंने देखा कि उनका घर ऐश्वर्यशाली महल बन गया है, उनकी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए, अच्छे अच्छे वस्त्रों से, अलंकारों से सुशोभित वहाँ थी वो। तो सुदामा तो घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, अब ऐश्वर्य का घमंड हो जाएगा मेरे मन में। तो उसी तरह से वासुदेव विप्र को भी लगा और उन्होंने कहा, बहु स्तुति कोरी कहे सुनो दया मोए, जीव ए गुण नहीं तुमते से होए, मोरो देखी मोर गंधे पालाए पामर, है न मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। हे प्रभु, ऐसी कृपा किसी साधारण जीव के लिए संभव नहीं है, ऐसी कृपा केवल आप में ही पाई जा सकती है। मुझे देखने मात्र से और मेरे शरीर के गंध से पापी व्यक्ति भी मुझसे दूर भाग जाता है, परंतु आपने मेरा स्पर्श किया, मुझे आलिंगन किया, स्वतंत्र ईश्वर, इस प्रकार से ईश्वर भगवान की का स्वतंत्र व्यवहार होता है। किंतु आछिलान भालो अधमहना एबे अहंकार मोर जन्मी बे आशिया। तो बड़े नम्र थे स्वभाव से वासुदेव विप्र, तो उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ कि अरे अब मेरा शरीर इतना सुंदर हो गया, मैं क्या था और मैं क्या हो गया, और इतना सुंदर मेरा शरीर हो गया
तो निश्चित ही मेरे मन में घमंड उत्पन्न होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। देखिए, सौंदर्य, धन, उच्च शिक्षा, प्रसिद्धि आदि के पीछे सारे संसार के लोग भागते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही बाधक होती हैं, समस्या खड़ी करती हैं, घमंड आ जाता है और अहंकार युक्त शरीर हृदय भगवान के अधीन नहीं हो सकता। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदह पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर, कि हे कृष्ण, जन्म ऐश्वर्य सौंदर्य और उच्च शिक्षा, ये चार कारण हैं व्यक्ति के अहंकार से उन्मत्त होने के लिए। जब ऐसे व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है अहंकार के कारण, तो निस्सहाय भाव से वो आपके शरण ग्रहण करने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं बन सकता। तो यही डर था वासुदेव विप्र के हृदय में कि अब मैं अचानक इतना सुंदर हो गया और सब लोग जानेंगे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र बन गया, सभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि आप कितने भाग्यशाली हो, आपको महाप्रभु की कृपा मिली, तो मेरे हृदय में घमंड आ जाएगा, मैं सोचने लगूंगा कि मैं कितना विशेष भक्त हूँ। तो ये डर हो गया वासुदेव विप्र के शरीर में, के हृदय में। फिर महाप्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहे कभू तुम्हार न हो बे अभिमान, निरंतर कहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को आश्वासन दिया, डरो नहीं, तुम कभी घमंडी नहीं होगे, निरंतर तुम कृष्ण कृष्ण कहते रहो, घमंड से तुम सुरक्षित रहोगे। कृष्ण उपदेशी करो जीवर निस्तार, अचिराते कृष्ण तुमा कोरी बेन अंगीकार। और साथ साथ महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को कहा कि तुम जीवों के निस्तार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए ये प्रचार करते रहो और शीघ्र ही कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए। तो महाप्रभु, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस संस्था के जितने भी भक्त बने हैं, प्रभुपाद जी उनके समय की बात कर रहे हैं जब वो अमेरिका यूरोप में गए थे और उन्होंने तरह तरह के पापी लोगों को भक्त बनाया था, उस समय की बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी वहाँ गए थे तो जिन लोगों के बीच में उनका उठना बैठना हो रहा था, चारों नियमों को पूरी तरह से वो भंग कर रहे थे। ऐसे लोगों को उन्होंने संत बनाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वासुदेव विप्र कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, उसी तरह से ये सारे लोग जो इस संस्था से जुड़े, उनके हृदय से भौतिकतावाद नाम का भयंकर रोग खत्म हो गया। कुष्ठ रोग से ये और ज़्यादा भयानक बीमारी है भौतिकतावाद, अंग्रेजी में मटीरियलिज्म कहते हैं इसे। तो ऐसे भयानक बीमारी से ये सारे लोग मुक्त हो गए, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के स्पर्श में आएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें एक भक्त के रूप में पहचाने, तो हमें न केवल कृष्ण कृष्ण का नाम का उच्चारण करना है, हमें अन्यों को भी कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करना है। तो महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ हमें मिल रही है महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐत को कोहिया प्रभु कोयलो अंतर्धाने,
দই বিপ্রা গলা গলি কাঁদে প্রভুর গুণে। ইস তরহ সে বাসুদেব বিপ্র কো উপদেশ দেকর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উস স্থান সে চলে গে, কূর্ম স্থান কো ছোড়কর আগে আপনি যাত্রা মে চলে গে। উধর কূর্ম ব্রাহ্মণ ওর বাসুদেব বিপ্র বহুত দুঃখী হো গে, উনকে আঁখো সে আঁসু বহ রহে থে ওর এক দূসরে কো সান্ত্বনা দেনে লগে, আলিঙ্গন কি উনহোনে এক দূসরে কো এক দূসরে কো সান্ত্বনা দে রহে থে ওর ক্যা কিয়া যায়। দোনোঁ কে লিয়ে মহাপ্রভু কা সঙ্গ না পানা এক বহুত হি বড়ি দুর্ঘটনা জেসি থি, পরন্তু ওর কোই উপায় নহি থা, ফির দোনোঁ ওহাঁ পর গির পড়ে ওর এসে মহাপ্রভু আগে চলে গে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য নে আপনে রচনাও মে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কা এক নাম রক্ষা হ্যা বাসুদেবামৃত প্রদ, জিনহোনে বাসুদেব নাম কে বিপ্র কো অমৃত প্রদান কিয়া থা, জিনকো উদ্ধার কিয়া থা। অব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক বহুত মহত্বপূর্ণ বাত বতাতে হ্যাঁ, ইসকো কহতে হ্যাঁ ফল শ্রুতি। পুরাণো মে অক্সর দেখা যাতা হ্যা জব কিসি কথা কা বর্ণন হতা হ্যা তো উস ব্যাখ্যা কে বাদ এক শ্লোক হতা হ্যা জিসমে ইয়ে বতায়া যাতা হ্যা কি ইস কথা কে শ্রবণ করনে কা ক্যা লাভ হোগা। তো অভি কূর্ম ব্রাহ্মণ ওর বাসুদেব বিপ্র কে উদ্ধার কি যো কথা হ্যা যো হমনে অব সুনি উসকো সুননে সে ক্যা লাভ হোগা, ইয়ে কবিরাজ গোস্বামী কহতে হ্যাঁ। শ্রদ্ধা করি এই রীলা জয় করে শ্রবণ অচিরাতে মিলয় তারে চৈতন্য চরণ। যো শ্রদ্ধা সে ইন কথাও কো সুনতা হ্যা উসে শীঘ্র হি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে চরণ কমলোঁ কি প্রাপ্তি হোগি। ইস প্রকার সে চৈতন্য চরিতামৃত কে সাতবে অধ্যায় কে অন্ত মে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভু কে কূর্ম স্থান কি লীলা কা বর্ণন সমাপ্ত করতে হ্যাঁ। হমারে পাস সময় হ্যাঁ ক্যা অভি প্লাস সময় হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, ওর 10 মিনিট হ্যাঁ। বেসে ভি আপ সবনে প্রসাদ তো থোড়ে হি সময় পহলে লিয়া থা, থোড়ে ভূখ ভি লগনি চাহিয়ে প্রসাদ লেনে কে লিয়ে দোবারা, ফির আগে চল কে হমে ওর 4 ঘন্টে চলনে হ্যাঁ রাজমন্ডরি পৌঁছনে কে লিয়ে। তো আইয়ে আব জব 10 মিনিট হ্যাঁ, তো মহাপ্রভু কি যো লীলায় হুই সিমহাচল মে উনকে বারে মে ভি কুছ সুন লেতে হ্যাঁ। আপ জাদা থকে হুয়ে তো নহি হ্যা না, সুননে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যাঁ আপ? ঠিক হ্যাঁ, কেবল 10-15 মিনিট ফির প্রসাদ লেনে যায়েঙ্গে। তো সিমহাচলম কি কথা তো কল হম সুন চুকে হ্যাঁ, পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভু কে ইহাঁ কে আগমন কি বাত কিস তরহ করতে হ্যাঁ চলিয়ে হম সুন লেতে হ্যাঁ। ये 8वें अध्याय की शुरुआत में है मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला जियड़ नरसिंह क्षेत्र कत दिने गेला। तो कुर्म क्षेत्र से आगे चलते चलते कई दिन बीत गए और कई दिनों के बाद फिर वो जियड़ नरसिंह सिम्हांचल क्षेत्र में आ पहुँचे। নৃসিংহ দেখিয়া কইল দণ্ডবত প্রণতি প্রেম বেশে কইল বহু নৃত্য গীত স্তুতি। নৃসিংহ ভগবান কা দর্শন করকে মহাপ্রভু নে তুরন্ত দণ্ডবত প্রণাম কিয়া। হম ইয়ে দণ্ডবত শব্দ কা প্রয়োগ করতে হ্যাঁ, ইসকা অর্থ আপ অবশ্য জানতে হ্যাঁ।
दंड, दंड जब गिरता है जमीन पर तो कैसे गिरता है, सीधे ऐसे गिर जाता है ना। उसी तरह से जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसे दंडवत कहते हैं, दंड की तरह, वत मतलब उसके समान, तो दंड के समान भी हम ऐसे गिर जाते हैं। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया श्री नरसिंह देव को, प्रेमावेश, प्रेमावेश में कैल बहु नृत्य गीत स्तुति, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे और प्रार्थना करने लगे, स्तुति स्तुति पाठ करने लगे। आज सिम्हाचलम मंदिर में आप में से कई भक्त इन श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, जोर जोर से हमने सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो आइए हमारे पीछे पीछे आप भी बोलिए, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश, प्रह्लाद और ईश, ईश मतलब स्वामी, तो प्रह्लाद के ईश कौन है, नरसिंह देव, तो प्रह्लाद ईश का मतलब है नरसिंह देव। जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, मैं उन नरसिंह देव का जय जयकार करता हूँ जो एक भृंग के समान है, भृंग अर्थात भंवरा, और भंवरा कहाँ होता है, वो सदैव एक कमल पुष्प के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसमें से कोई अमृत का पान करने के लिए। तो भगवान नरसिंह देव भी लक्ष्मी देवी के सुंदर मुखारविंद का दर्शन उसी प्रकार से करते हैं। तो प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ सुंदर तात्पर्य में श्रीधर स्वामी के दो श्लोकों का उल्लेख भी किया है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने और एक सुंदर श्लोक कहा, ये भी श्रीधर स्वामी द्वारा रचित है, उनके श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद से है, ये नौवें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में है। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीधर स्वामी तो मूल टीकाकार हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। उग्रोप्यनुग्र एवायम् स्वभक्तानां नृकेशरी केशरीव स्वपोतानां अन्येषाम् उग्रविक्रमः उग्रोप्यनुग्र एवायम् स्वभक्तानां नृकेशरी केशरीव स्वपोतानां अन्येषाम् उग्रविक्रमः
श्रीधर स्वामी बहुत ही सुंदर एक उपमा देते हैं एक सिंहनी का। सिंहनी वैसे बहुत उग्र होती है किसी अन्य के प्रति। सिंहनी के सामने जाएं तो और कुछ करने जाएं तो सिंहनी कैसे होगी, बहुत भयंकर रूप होता है। और जब गर्जना करती हैं ये सिंहनी या सिंह तो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयभीत हर एक व्यक्ति हो जाता है। तो सिंहनी का रूप वैसे देखा जाए तो बहुत उग्र है, व्यवहार भी काफ़ी उग्र है, परंतु अपने बच्चों के प्रति सिंहनी का व्यवहार कैसे होता है, बहुत कोमल होता है। केशरीव स्वपोता नाम अन्य शाम उग्र विक्रम। केशरी अर्थात सिंहनी स्वपोता नाम अपने बच्चों के प्रति जिस प्रकार से प्रेम से व्यवहार करती है, चाटती रहती है उनको, उनकी रक्षा करती है, अन्य शाम परंतु अन्यों के लिए उग्र विक्रम अन्यों के लिए बहुत ही उग्र रूप धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से श्री नरसिंह देव भी अन्यों के लिए उग्र हैं, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट लोगों के लिए उग्र रूप धारण करते हैं। अपि परंतु अनुग्र एव स्वभक्तानाम नृकेशरी। नृ अर्थात मनुष्य, केशरी अर्थात सिंह। जो आधे सिंह आधे नर के रूप लेकर आए हैं भगवान नरसिंह देव, हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के लिए बहुत ही उग्र रूप धारण करते हैं, परंतु स्वभक्तानाम स्वयं उनके भक्तों के लिए बहुत ही प्रेम का स्वरूप स्वीकार करते हैं, प्रकट करते हैं। जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान नरसिंह देव ने, तो इतने क्रोधित थे वो कि उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। मूर्तिमान क्रोध के स्वरूप हैं श्री नरसिंह देव भगवान, ऐसा क्रोध और किसी के लिए संभव नहीं है। तो नरसिंह देव भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा था, और इतने सारे इतने क्रोधित रूप को देखकर किसी ने उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया कि आके आप सिंहासन पर बैठ जाइए, तो अपने आप जाकर बैठे और बैठे फिर भी अपना सर जो है उठाकर, जैसे सिंह गरजता है ना, सिंह जब गरजता है तो सर ऊपर करके गरजता है। आपने कोई चित्र आदि देखे होंगे, सामने खड़े वाले व्यक्ति बेहोश होकर गिर सकता है, ऐसे भयानक होता है और होता भी है ऐसे। तो ऐसे बैठे राज सिंहासन पर और गरजने लगे। अब शिव जी ब्रह्मा जी इंद्र वायु सभी लोग खड़े थे पीछे पीछे, काफी दूर खड़े थे, किसी को सामने आने का साहस नहीं हो रहा था। भगवान के इस रूप को देखकर लक्ष्मी देवी भी घबरा रही थी सामने आने के लिए। तो उस समय शिव जी ने ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद से कहा, अरे प्रह्लाद तुम जाओ आगे जाओ। प्रह्लाद को बिल्कुल डर नहीं हुआ, सीधे आगे चले गए भगवान नरसिंह देव के सामने। प्रह्लाद को देखकर तुरंत भगवान नरसिंह देव का क्रोध का शमन हो गया, तुरंत शांत हो गए और बड़े प्रेम भरे आंखों से प्रह्लाद की ओर देखा और प्रह्लाद को उठाया और अपने गोदी में रख लिया और अपने गोद में रख के प्रह्लाद को चाटने लगे, क्योंकि सिंह का मुख है ना, तो जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति या किसी के भी प्रति अपना प्रेम जब व्यक्त करना चाहते हैं तो चाटते हैं। गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आपने देखा होगा ये चाटते हैं अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो भगवान नरसिंह देव ने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए प्रह्लाद को तो अपने गोद में रखा और चाटने लगे। इस तरह यहाँ पे श्रीधर स्वामी के इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु दोहरा रहे थे
सुंदर उपमा है, देखिए। तो ऐसे अनेक स्तुति, अनेक श्लोकों का उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। ऐ मत नाना श्लोक पोड़ी स्तुति कोईल, नृसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिल। इस तरह नाना श्लोकों का उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और उधर जियड नरसिंह सिम्हाचल में वहाँ जो पुजारी थे, उन्होंने भगवान के फूलों की माला निर्माल्य और प्रसाद भी आकर चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। पूर्ववत कोनो विप्रे कोइलो निमंत्रण, सेई रात्रि तहां रोही करिलो गमन। तो जैसे प्राय हुआ करता था, कोई ब्राह्मण आए उनके पास, उन्होंने निमंत्रण किया कि आप आइए मेरे घर में, भिक्षा स्वीकार कीजिए, भोजन स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, उस ब्राह्मण के घर में जाके प्रसाद का सेवन किया, रात मंदिर में रहे और फिर आगे अपनी यात्रा में आगे बढ़े। कविराज गोस्वामी कहते हैं, उठिया प्रभु चोलीला प्रेमावेशे, दिक विदिक नहीं ज्ञान रात्रि दिवसे। अगले दिन प्रातः काल में जब महाप्रभु उठे और आगे चले, प्रेमावेश के कारण उनको पता नहीं चला कि किस दिशा में वो जा रहे हैं, या रात है या दिन है। दिक विदिक नहीं ज्ञान रात्रि दिवसे, मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, उत्तर में जा रहा हूँ, पूर्व पश्चिम, कुछ होश नहीं था महाप्रभु को। नाम लेते लेते मस्त होकर, भाव विभोर होकर वो बस जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं चला। इस तरह से महाप्रभु की तीर्थ यात्रा चलती रही, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक तीर्थ स्थान के बाद दूसरे तीर्थ स्थान में, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे महाप्रभु की तीर्थ यात्रा चलती रही। तो यहाँ से महाप्रभु आगे चलते गए गोदावरी के तट पर। वहाँ पे उनका उद्देश्य था कि वो रामानंद राय से मिलें, और जब हम राजमंड्री में जाएंगे तो कल जब कथाएं होंगी तो उसमें हम वहाँ जो लीलाएं हुई और उन स्थानों के जो महिमा है उसके बारे में कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्री सिम्हाचलम धाम की जय। श्री वरह लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।